हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह के 7 बज गए हैं और आज का भी ब्लॉग सुबह से ही शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, चाय रख रही हूँ और नहा के आ गई हूँ मैं, और तैयार नहीं हुई हुई ज़्यादा, थोड़ा सा ही तैयार हुई हूँ। कंघी वगैरह नहीं की है क्योंकि बहुत देर हो रही थी, खुशी का कॉलेज का टाइम हो गया था और इनको भी, ये भी आजकल जल्दी जा रहे हैं तो इनके लिए भी नाश्ता वगैरह बनाना है। वैसे तो ये चीज़ें रोज की होती है, कुछ ना कुछ देर हमें हो ही जाती है, कोई किसी को टाइम पर जल्दी जाना होता है या हमें कभी कभी देर हो जाती है, ये तो हमारा रोज़ का ही रूटीन होता ही है। सुबह का गड़बड़ 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 हो ही जाती है। तो देखिए, यहाँ पर चाय बन गई है। चाय सबसे पहले सभी को चाय दे के आती हूँ। और यहाँ पर जो नाश्ता बनाना है ना खुशी को, तो मैंने क्या किया है, कल की इडली बच गई थी तो बस उसको उसको कट कर लिया है और उसको तेल डाल दिया एक पैन में, राई जीरा डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया और फिर थोड़े से फ्राई कर लेती हूँ तो वो अच्छे लगते हैं। इडली बच गई थी, 7-8 इडली बच गई थी कल की, तो बस ऐसा नाश्ता उसको पसंद आ जाता है, अच्छा लगता है तो फिर वो खा भी लेती है वो, तो फिर उसको यही बना के दे रही हूँ। और ऋषभ के लिए पराठे बना रही हूँ मैं टिफिन पर, और उसको खाने में, नाश्ते में उसको चौकोस ला के रखे हैं तो चौकोस खाएगा वो। आजकल बहुत चौकोस खा रहा है, लेकिन अब बंद करना पड़ेंगे उसके चौकोस खाना, बहुत चौकोस हो रहे हैं उसको। इस हफ्ते में पूरे चौकोस ही खाए उसने, तो उसको आज पराठे टिफिन पर देने हैं और नाश्ते में चौकोस। तो दोनों का तो नाश्ता हो गया और उसके बाद खाने में मुझे बनाना है आमरस, बनाना है पूरी और ये अपना तले हुए कुछ चीज़ें पर कुरड़ी वगैरह, और गोभी की सब्जी बनानी है, दाल चावल बनानी है, तो इतना सब खाने में बनाना है। तो अभी तो यहाँ का नाश्ता वगैरह हो गया है मेरा और मैं बाहर की झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर खाना बनाऊंगी। और अभी टाइम हो गया है 8:30, और यहाँ पे पूरे घर की झाड़ू लगा लेती हूँ एक बार। और लड्डू मतलब ऋषभ और खुशी, और ये खुशी को छोड़ने कॉलेज गए हैं तो फिर ऋषभ इनके साथ ही है तो अभी तक आए नहीं है ये, और थोड़ा सा आराम से आने वाले हैं दोनों, 9:30 बजे तक आएंगे क्योंकि उनको कुछ काम है। तो फिर ऋषभ को भी उधर ही लेके गए तो वहीं पर है दोनों भी, तो 9:30 बजे के बाद मुझे ऋषभ की तैयारी वगैरह करनी है। और हाँ, इनके लिए आज जो गुरुवार है तो उपवास है, तो इनके लिए साबुदाने की खिचड़ी बनानी है। तो फटाफट से सारे घर की एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर एक काम निपट जाएगा मेरा, तो फिर किचन में जाऊँगी ना, फिर किचन में से 1-2 घंटे तो नहीं निकल पाऊँगी क्योंकि बहुत कुछ बनाना है आज और टाइम भी लगेगा, और टाइम पर बनना भी ज़रूरी है, भूख भी लग जाती है सभी को। तो फिर जल्दी जल्दी झाड़ू लगा के खाना फटाफट से बना लूँगी। तो यहाँ पर देखिए, अब दोनों रूम की झाड़ू लग गई मेरी। अब हॉल को थोड़ा साफ़ करके, टेबल वगैरह साफ़ करके हॉल की भी झाड़ू लगा लेती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद कपड़े वगैरह भिगो के रखने हैं मुझे, मौसी जल्दी आ जाती है आजकल धोने के लिए। आजकल क्या हो रहा है ना, तो बर्तन वाले मौसी भी जल्दी आ रहे हैं और कपड़े वाले भी मौसी जल्दी आ रहे हैं क्योंकि बारिश का मौसम है, तो फटाफट से काम करके वो अपना निपटा के घर पर चले जाते हैं, तो वो भी जल्दी आ रहे हैं। तो झाड़ू लगा के एक बार कपड़े भिगा दूंगी तो फिर वो एक काम हो जाएगा मेरा। और अगर पहले भिगा के नहीं रखते ना तो फिर बीच में से उठना पड़ता है, फिर मतलब क्या हो जाता है ना, मौसी बाजू के घर पर आते हैं तो फिर उनके वहाँ पे बर्तन वगैरह करते हैं ना वो, तो उसकी आवाज़ आती है, तो मैं कपड़े भिगाने चली जाती हूँ, उनकी आवाज़ उधर आती है, तो फिर उधर उनको आधा 1 घंटा लगता है तब तक मेरे कपड़े अच्छे से भीग जाते हैं। तो फिर क्या है ना, फिर काम करते करते मुझे उठ के कपड़े भिगाने के लिए आना पड़ता था, इसकी वजह से क्या करती हूँ, कपड़े भिगा देती हूँ उसके बाद ही अब किचन में जाऊँगी। और ये जो सर्फ का पैकेट है ना, तो इन्होंने कल ही लाई है किराना, तो सारा ही किराना कल आया है, तो फिर सर्फ खत्म हो गया था पूरा ही, तो मैंने उसमें से ही निकाला है। तो अब आराम से दोपहर में भरूंगी सारा किराना, सर्फ वगैरह सारा ही कुछ भर के रख दूंगी, क्योंकि जो किराना भरने का काम है ना तो बहुत ही अच्छे से करना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है ना, फिर हमें याद ही नहीं रहता कि कौन सी चीज़ किसके अंदर डाली है। तो मैं बहुत शांति से किराना भरती हूँ, दोपहर में भरती हूँ आराम से, 1-1.5 घंटा लग जाता है मुझे, लेकिन सारा फिर ध्यान से भरना पड़ता है, फिर कभी कभी क्या हो जाता है ना, कोई चीज़ दिखती ही नहीं है कि किधर रख दी है। तो कपड़े भीग गए मेरे, अब बाहर रख देती हूँ, मौसी आएंगे तो धो लेंगे। तो फिर यहाँ पर देखिए, खाना बन गया है मेरा, यहाँ पर 11:30 बज गए हैं, थोड़ा देर होगी आज खाना बनाने को। तो यहाँ पर देखिए, खाना सभी बैठे हैं खाने को, तो रस बनाया है, पूरी बना रही, कुर्री बनाई है और गोभी की सब्जी, दाल चावल लगाए हैं, लेकिन दाल चावल किसी को नहीं चाहिए तो फिर मैंने प्लेट में नहीं लगाए हैं, लेकिन दाल चावल बनाए हैं। तो यहाँ पर देखिए, 1 बज गया है और ऋषभ आ गया है स्कूल से, कॉलेज से बोल रही थी मैं, स्कूल से आ गया है वो, तो उसको दाल चावल खिलाने हैं, तो उसको भूख लग गई है तो दाल चावल लेकर जा रही हूँ। और यहाँ पर क्या है, बातें करते बैठे, खाना खाते खाते बातें की, तो फिर टाइम किधर चला गया पता ही नहीं चला, तो अभी जो काउंटर टॉप है सारा ही वैसे ही फैला पड़ा है, बस खाना खाया हमने और वैसे बातें करते बैठ गए, वैसे उतने में फिर ऋषभ आ गया, तो अब उसको भी भूख लग गई तो पहले उसको खिला देती हूँ और उसके बाद में फिर सारा काउंटर टॉप साफ करूँगी। लेकिन अभी क्या है ना, दाल चावल थोड़े, दाल मैंने अभी बॉईल की है तो दाल चावल गर्म है, तो तब तक क्या करती हूँ, सारे बर्तन जो है ना तो बाहर रख देती हूँ, तो मौसी भी जल्दी आते हैं ना, तो मौसी आ जाएंगे, अगर बीच में आ गए तो फिर मेरी परेशानी हो जाएगी, तो फिर इस वजह से पहले सारे बर्तन जो है ना बाहर रख देती हूँ, तो मौसी आ जाएंगे तो फिर ऋषभ को खिलाते खिलाते बीच में से उठना भी नहीं पड़ेगा और सारे बर्तन भी खाली हो जाएंगे, नहीं फिर क्या होता है ना, कोई बर्तन छूट जाता है रह जाता है तो फिर वैसे पड़ा रह जाता है, सारे एक बार खाली हो जाएंगे ना तो फिर मेरा भी आधा काम हो जाएगा। और काउंटर टॉप जो है तो फिर आराम से साफ़ करूँगी मैं खिलाने पिलाने के बाद ऋषभ को। तो यहाँ पे आटा वगैरह सारा जो बच गया था फ्रिज में रख दिया है और सारा ढक के रख दिया, जो खाना है जो अभी बचा हुआ खाना है ना, तो भाई वैसे ही ढक के रख दिया है, बाद में फिर छोटे बर्तन में निकाल के वगैरह सारा फिर खाली करके अच्छे से रखूँगी। तो यहाँ पर ऋषभ को मैंने खिला दिया है और उसका थोड़ा सा खेल रही हूँ, उसको टाइम भी देना पड़ता है थोड़ा सा, तो उसके साथ वही थोड़ा सा खेल रही हूँ।
और खाना वगैरह हो गया है उसका। और यहाँ पर देखिए कपड़े लेकर आ गई हूँ, कब उसको साथ थोड़ा सा खेल के कपड़े फोल्ड कर लूँगी। कल के कपड़े हैं ये, कपड़ों का बहुत हो रहा है आजकल। एक तो क्या है ना, रूटीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पहले क्या था, बाहर से कपड़े सूख गए लेकर आओ फोल्ड कर लो, और कभी कभी रह भी जाते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, रात भर बाहर डालो, फिर सुबह काम होते हैं, तो फिर दोपहर में एक बार फिर हुए तो हो जाते हैं, नहीं फिर रह गए तो फिर शाम के और फिर से काम शुरू हो जाते हैं। तो फिर वो कभी कभी रह जा रहे हैं, तो 2 दिन के कपड़े मेरे जमा हो गए हैं। और कोई कोई पैंट मोटी वगैरह होती है ना, जाड़ी होती है थोड़ी सी, तो वो भी थोड़ी सूखने की रह जाती है, तो उसको इधर डालो उधर डालो। तो फिर बच्चों की तो बहुत होती है ना, जीन्स की पैंट, खुशी की जीन्स की पैंट। और इनकी तो एक दो पैंट इतनी मोटी है कि वो 2 दिन सूखती ही नहीं है। तो मैं तो सोच रही हूँ कि इतनी बारिश था उनको उठा कर रख ही देती हूँ, और जब बारिश खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद फिर वापस से निकाल लूँगी, तब तक रख ही देती हूँ लग रहा है मुझे। तो चलिए कपड़े फोल्ड हो गए मेरे। मैंने सोचा नहीं था कि मैं अभी कपड़े फोल्ड करूँगी, क्योंकि मेरा काउंटर टॉप वगैरह साफ़ करना बाकी है। लेकिन यहाँ पर ऋषभ के साथ खेलते खेलते सामने दिखे, तो फिर मैंने सोचा चलो कर ही लेती हूँ। तो फ्रेंड वीडियो को यहीं पे रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड बाय फ्रेंड।